ने अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद दो दिनों से हाजीपुर अल्पावास में गहमागहमी दिख रही है। आयोग के सदस्यों ने लड़कियों के आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़कियों ने अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़ और यौन शोषण की बात बताई है। वहीं इस पूरे हंगामे के दौरान संस्था के अधिकारी भी अल्पावास गृह पहुंचे और लड़कियों के मेडिकल जांच कराए जाने की बात कही है। संस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि उन्होंने पहले इस तरह की कोई भी शिकायत लड़कियों द्वारा नहीं मिली थी, लेकिन जब लड़कियां ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। खाली जबरदस्ती आदि कर रहा हम लोग के साथ में, वो लोग बात नहीं माने हैं तो हम लोग क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। बात मानते तो वही अच्छा रहता। सुनाते थे जब नहीं दिया चलाने के लिए, तब जाके इस तरह के पैसा मांगते थे। नियमितीकरण आ गया है, रुपया देगा घूस देगा तब करेंगे, ना ही करेंगे। चार को विनीता कुमारी, सपना कुमारी, यही ज्यादा चारों हल्ला कर रहे हैं। यही में जो अंडर एज है वही बोली है ना, सीमा बताई है कि हम लोग को अकेले जाते थे, मैडम को हटा, उन लोग के अनुसार मैडम हटा देते थे, मैडम को हम लोग को कहते थे 600 तुम लोग को एक सिलाई कराए, खाना रखते हैं नहीं नहीं वो आप सराय खाने बताओ तो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था? मनमोहन सर ने हम लोग को बोलते थे पैर हाथ दबाने के लिए, तो हम लोग नहीं दबाते थे, तो वो कुर्सी पर बैठा के तो हम लोग के जांग के ऊपर हाथ फेरते थे। अच्छा। और ये प्रियंका दीदी है, प्रियंका मैडम, तो वो भी बोल देती कि पैर हाथ नहीं दबाओगे तो हम तुम लोग को गलत करेंगे या मारेंगे पीटेंगे, बहुत बोलती थी। कौन है मनमोहन जी, कौन है यहाँ के? अच्छा, तुम कब से हो यहाँ पे? हम लगभग 3 महीने से। कि पैर दबाओ ना दबाते बोले, सर के बढ़ते हैं हम लोग के पास, ना बढ़ते थे तो मारते थे। उसके बाद बोले कि पैर दबाने के लिए ना दबाते लोग तो मारते थे, जांग पर हाथ धरते थे हम लोग का। फिर बिना हाँकने के लिए बोलते थे लोग तो वो ना करते थे, लोगों को खाते पिटाई खाते थे लोग। अकेले आते थे? हाँ अकेले। मैडम भी जाती थी तो ऊपर मैडम से हटाते थे, हम लोग अकेले में बात करते थे, बोलते मैडम नीचे जाओ। हाँ अकेले में बात करते, अकेले में बात करते थे। हाँ गलत गलत काम करते थे आप लोग के साथ? हाँ हम लोग के साथ है। प्रियंका जी बोलती थी कपड़ा पहने से लो तो इतना ही फाड़ दिए थे। कौन? मनमोहन सर। कपड़ा किसने फाड़ा है? मनमोहन सर। कब? अभी आए थे, कल आए थे। बताओ तुम बताओ। कल आए थे तो क्या बोला? तो हम बोले नहीं दबाने के, हम बोले नहीं दबाएंगे, आप लोग को नौकर नहीं है, अगर इनकेस कोई पुलिस जाती, अगर कोई पदाधिकारी डीपीएम सर भी जाएंगे तो यहाँ महिला जो पदाधिकारी उनके साथ हो जाएंगे। बच्चियाँ बताई है? हाँ, जाते थे वो तो बताई है, लेकिन और कपड़ा फाड़ने वाला गलत। और क्या बताई है? बताई है कि हम लोग को अकेले जाते थे, मैडम को हटा, उन लोग के अनुसार मैडम हटा देते थे, मैडम को हम लोग को कहते थे 600 तुम लोग को एक सिलाई मशीन और 6000 रुपया देंगे तुम लोग को, तुम लोग अपना नाम बताओ, यहाँ का शिकायत करो, ये जो बोलिए। हाँ बोले, कहते थे हम नहीं दबाए तो हमको, हम नहीं दबाए, हमको बोले तो हम नहीं दबाए, ये बोलिए। पैर दबाने के लिए बोले थे करिए। आज तो शिकायत कर रही है बच्चियाँ? देखिए आज ये शिकायत आ रही है, क्यों आ रही है ये जांच का विषय है, और हमको लगता है कि इस पर प्रशासन को कॉल लेना चाहिए। यदि ऐसा कुछ मामला है तो प्रशासन को जांच करना चाहिए। हम लोगों ने पदाधिकारी को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मेडिकल जाँच करवा लें और मेडिकल जाँच करवा करके उनको ले जाए, ताकि अभी जो कई जगह पे कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चियां सुरक्षित रही हैं अब तक, और उस सुरक्षित रूप से जाए और उसका एक मेडिकल रिपोर्ट हम लोगों को मिल जाए। कल वो नहीं हो पाया, लेकिन आज का बात था कि आज वो हो जाएगा, और अभी तक पदाधिकारी जो है, जो ले जाने वाले पदाधिकारी हैं, वो अभी आए नहीं है, तो हम लोग उन्हीं का प्रतीक्षा करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने 5 सदस्यीय टीम बनाया है, SDO SDPO है, DPO ICDS है, DWO है, और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 5 सदस्य जो जांच 24 घंटा के अंदर जांच प्रतिवेदन देंगे। अगर कोई इसमें लगता है कि कोई गलत हुआ है या दोषी होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मेडिकल जांच के लिए। और हाँ जी, मेडिकल जांच करने के लिए भी हमने सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि टीम गठन करके और खासकर महिला चिकित्सक के साथ जांच, स्वास्थ्य जांच कराई जाए और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाए। मामूली घरे